तो आपके सामने तीसरा सवाल ये रहा, दो मुद्दे के में सवाल को तस्सील से हल कीजिए, x लंबी 2 y बराबर 0 पर, 3 x जमा 4 y बराबर 20। तो इसका इस तरह से रहा, x लंबी 2 y बराबर 0 पर, तो इसे आप जरूर बनाएंगे जिसमें आपको x की कीमत दाखिल करना पड़ेगा और y की कीमत आपको हासिल हो गया। तो x लंबी 2 y बराबर 0 पर, तो नफी 2 y बराबर जमा x दाएं जाने से बाएं जाने होगा तो नफी x हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों दोनों जाने नफी है तो ऑटोमेटिकली आपको कैंसिल हो जाएगी, तो 2 y बराबर x या y बराबर x के 2 y बराबर x करके 2। तो यहाँ पर आपको y बराबर x बटे 2, तो पहली कीमत आप दाखिल कीजिए सिफर, x बराबर सिफर दाखिल कीजिए, तो y बराबर x की कीमत होगी सिफर बटे 2। सिफर से आप किसी भी कीमत को तकसीम करेंगे तो आपका हासिल होगा सिफर, तो y बराबर सिफर दाखिल, तो y की कीमत भी आपको सिफर हासिल हो। तो इसी तरह y बराबर x बटे 2, तो x की कीमत यहाँ पर आपको 2 दाखिल कीजिए, x बराबर 2 दाखिल कीजिए, तो कीजिए तो y बराबर 2 बटे 2, तो y की कीमत हासिल हो गई 1। तो 3x जमा 4y बराबर 20, तो यहाँ पर मसावत है, तो 4y बराबर 20 जब 3x दाएं जाने से बाएं जाने पर आ जाएगा तो नफी 3x होगा, तो y बराबर 20 नफी 3x बटे 4। तो यहां पर फिर दूसरा जदुल बनाइए, इस तरह से दूसरा जदुल बनाए जिसमें x की कीमत डालेंगे और y की हासिल होगी। तो पहले इसमें सिफर दाखिल कीजिए, तो y बराबर 20 नफी 3x बटे 4, x बराबर सिफर दाखिल कीजिए, तो यहां पर y बराबर 20 नफी 3 x की कीमत सिफर दाखिल कीजिए बटे 4, 4 4 कीजिए 20 नफी 3 सिफर सिफर हो गया, सिफर बटे 4, 20 बटे 4 तकसीम करो, तो यहां पर 4 बंदे 20, 4 बंदे 20, तो y की कीमत हासिल हो गई यहाँ पर 5। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो कीमत दाखिल करना है वो है आपको 4। नेक्स्ट जो कीमत दाखिल करना है वो आपको है वो 4, इसी पर भी ले सकते हैं, उसके बाद जो है 4 दाखिल करेंगे, तो y बराबर 20 नब्बे 3x बटे 4, तो x बराबर 4 दाखिल कीजिए, तो y बराबर 20 नफी 3, यहाँ पर कीमत क्या दाखिल कर रहे हैं आप 4, तो 4 दाखिल कीजिए बटे 4, तो 20 नफी 4 3, 4 3 से 4 गुजर करके 3 4 12 बटे 4, 20 में 12 नफी करेंगे तो आपका हासिल होगा 8 बटे 4, तो 8 और 4 से तकसीम करेंगे तो हासिल होगा 2। तो यहाँ पर y की कीमत हासिल हो गई हमको 2। तो यहाँ पर ये जदूल आ गए हैं जिसकी कीमत आपने लिखी है, एक्स की कीमत सिफर होगी तो वाई की कीमत सिफर होगी, तो वाई की कीमत 5 होगी, एक्स की कीमत 4 होगी तो वाई की कीमत 2। तो यहाँ पर मेंबर पे एक्स मेंबर, ये एक्स मेंबर है और ये वाई मेंबर है, वाई मेंबर पर और एक्स पर आपको निशानदेही करनी पड़ेगी, जब यहाँ पर एक्स सिफर है वाई भी सिफर है, तो एक्स मेंबर पर सिफर और y मेंबर भी यहाँ पर सिफर, इस तरह से आपको निशानदेही करनी पड़ेगी। उसी तरह x की कीमत 2 है, y की कीमत 1 है, x की कीमत जो है 2 है और सॉरी x की कीमत 2 है और y की कीमत 1 है। उसी तरह x की कीमत सिफर है, y की कीमत 5 है, x की कीमत सिफर है तो y की कीमत यहाँ पर 5।
गैस की कीमत 4 है, y की कीमत 2 है, गैस की कीमत 4 है, y की कीमत 2 है। अब जो है आप खुदूत खींच सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से खींच सकते हैं और यहाँ पर ये जो दो निशान है तो यहाँ पर जो है खुदूत एक दूसरे को खता कर रहे हैं। जब यहाँ पर खुदूत जब खता करते हैं तो यहाँ पर हमें यक्ष की कीमत हासिल होती है, उसी तरह वाय की कीमत हासिल होती है। तो यहाँ पर गैस की कीमत जो है 4 है और वाई की कीमत जो है 2 है। तो इस तरह से इसका अर्थ होगा यहाँ पर खुदूत जो है खता कर रहे हैं। तो यक्ष की कीमत 4 होगी, वाई की कीमत 2 होगी।